हेलो बच्चों, देखिए आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी का क्लास 12th आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन 13 से वीडियो स्टार्ट है। इससे पहले हम पिछले वीडियो में डाल चुके 12 क्वेश्चंस, तो देखिए फाइंड dy dx इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 - x2। अगर हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशियल निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो पुटिंग या पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा पुट करेंगे, तो x की वैल्यू जब रखेंगे तो साइन थीटा आएगी। देखिए तो y इक्वल टू ये साइन इनवर्स x है तो यहाँ आ जाएगा थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 - sin²θ। देखिए तो y इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स ये 1 - sin²θ cos²θ हो जाएगा, cos² का रूट से कैंसिल हो जाएगा तो केवल cos θ बचेगा। बाहर है साइन इनवर्स, अंदर है cos। अगर ये हम अंदर भी साइन आ जाता तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते। देखिए तो ये साइन इनवर्स और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 - θ, तो क्योंकि साइन 90 - θ होता है कॉस थीटा। देखिए साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गए तो थीटा प्लस पाई बाई 2 - θ। देखिए पाई बाई 2 - θ। देखिए तो y इक्वल टू आ गया पाई बाई टू मीन्स होता है 90 डिग्री। अब हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट हम करेंगे तो dy dx ये कांस्टेंट टर्म है पाई बाई टू, इसका हो गया 0, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये डिफरेंशियल हमने किया जी सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये 0 आया। हम डायरेक्ट भी करते तो लंबा हो जाता लेकिन आंसर यही आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड देखो प्रूव करना dy dx इक्वल टू -1/(1+x²)। तो ये क्वेश्चन गिवन था अपने पास, इसमें y वाला टर्म हम इक्वल के बाद ले गए। देखिए यहाँ पे ले गए, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x² और यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा 1+y। इक्वल के बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 2² आ जाएगा, माइनस हट जाएगा और ये रूट कैंसिल होगा 2² 1+x। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट में x² - 2² आया, इधर आएगा 2x² x² 2 एक साइड ले लिया। तो देखिए ये a² - b² का a+b a - b ये कैंसिल हो गए, ये अपने पास आया। अगर हम अब हम y एक तरफ ले रहे हैं y + xy और ये x वाला टर्म इधर राइट में ले गए तो ये यहाँ y कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1+x = -x। तो y इक्वल टू आएगा -x/(1+x). अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिवाइड रूल लगेगा यहाँ पे। डिवाइड रूल में होगा देख क्या होता है, नीचे तो आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर एज इट डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर x का डिफरेंशियल करेंगे या एक बार लिख देते हैं हम -x बाहर आया, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 + x का किया। देखिए तो माइनस डिनोमिनेटर में तो एज इट इसमें तो कुछ होना नहीं है, यहाँ आएगा 1+x - x। इसका 1+x का करेंगे तो 0+1 केवल 1 आ जाएगा यहाँ। देखिए तो -1+x - x/(1+x²). x से x कैंसिल हो गया तो ये अपना फाइनल जो आंसर आया है क्या आया है -1/(1+x²). देखिए तो ये हमारा आंसर आ चुका है।
तो क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हो चुका है, प्रूफ हो गया है। अब इसके बाद देखिए ये 15 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इफ़ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सी ग्रेटर देन जीरो, हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3 बाई टू अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है, वैल्यू इसका आंसर कॉन्स्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, और इसमें ए और बी नहीं आ रहा है। तो देखिए इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो ये गिवन अपने पास है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसका हमें डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा 2 एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का आएगा 1 प्लस 2 वाई माइनस बी, वाई माइनस बी का करेंगे तो आएगा डी वाई डी एक्स और सी स्क्वायर का 0। ये यहाँ तक आ गया, देखिए ये अपना बन चुका है। अब 2 कॉमन लेके 0 की तरफ नीचे पहुँच जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके 0 के डिवाइड में गया, 0 हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा डिफरेंशियल करेंगे इसका तो x माइनस ए अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएट तो x माइनस ए का कितना आएगा 1। अब यहाँ 2 फंक्शन लगेंगे, एक बार y माइनस बी को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिए बाहर कर दिया, डी वाई डी एक्स का करेंगे तो डी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स को हमने बाहर कर दिया, वाई माइनस बी का करेंगे तो ये आएगा डी वाई डी एक्स। देखिए तो ये क्या बन गया अपना, यहाँ से वाई माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, देखिए तो ये वाई माइनस बी की वैल्यू हम निकालने वाले हैं यहाँ से, वाई माइनस पहले तो ये वन माइनस में जाएगा, देखो वन माइनस में चला गया, ये आ गया। इसके बाद क्या आएगा, ये जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये भी माइनस में जाएगा, माइनस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये आ गया, और डिवाइड में क्या आएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए अगर माइनस कॉमन लेंगे तो बाई माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस कॉमन लिया हमने, वन प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ चुका है। देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन तो हम इसी को दे देंगे जो गिवन था फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन देखिए, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारा जो बाई माइनस बी की वैल्यू निकाली, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब अपने पास 3 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखिए अब इसके बाद हम बाई माइनस बी की वैल्यू ये निकाली हमने, ये सेकंड इक्वेशन में बाई माइनस बी की प्लेस पर रख देंगे। तो देखिए नेक्स्ट, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई माइनस बी इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी अपनी, एक्स माइनस ए इक्वल टू, देखो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, देखिए वन प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ जो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई डी एक्स, ये हमारा आ चुका है, ये 4 इक्वेशन है।
अब अपने पास एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी दोनों की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स माइनस ए एंड वाई माइनस बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आप बी गेट, हमको क्या मिलेगा देखिए, वन प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। देखिए ये आया और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था वहाँ, और प्लस यहाँ बाई माइनस बी में आएगा तो ये भी हो जाएगा वन प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ये भी होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया इक्वल टू सी स्क्वायर, फर्स्ट में रख दिया था हमने। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों में कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए आप। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे देखिए ये डिनोमीटर सेम है, एलसीएम लेके सी स्क्वायर के पास चले जाएंगे, तो यहाँ जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या क्या बन रहा है। अब आप देखिए तो यहाँ ये बन रहा है, ये बन गया देखिए वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर होल पावर, इसमें देखो कॉमन लेने पे बन रहा है ये होल स्क्वायर, ये पावर कितनी हो जाएगी क्यूब इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अब इससे हम वैल्यू एडजस्ट करेंगे तो डी इसकी वैल्यू हम रख दें डी स्क्वायर अपॉन डी वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले भी हमारे पास है, तो एडजस्ट करने के बाद हमें ये मिलेगा वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा थ्री बाई टू ये, और नीचे आएगा डी वाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया देख इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ हुआ क्या, जो होल स्क्वायर तो डी एक डी वाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे वहाँ पे पीछे निकालिए, उससे निकाल के हम रखेंगे तो ये थ्री बाई टू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ थ्री है वहाँ रूट में है, तो रूट में थ्री में से वन बाई टू माइनस हो गया, देखो ये आ गया। तो ये अपना सी स्क्वायर है देखो, ठीक है यहाँ सी स्क्वायर था, अगर हम दोनों साइड रूट ले लेंगे तो यहाँ सी रह जाएगा। देखो जब इसका रूट दोनों साइड हम रूट लेंगे तो देखो ये स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा, और जहाँ इसका होल पावर वन बाई टू आएगा, वन बाई टू से क्या बनेगा थ्री बाई टू का होल पावर वन बाई टू थ्री बाई टू हो जाएगा, तो ये सी आ गया। तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी से इंडिपेंडेंट है, यही हमारा आंसर आ गया। बड़ा क्वेश्चन था, बस यहाँ ध्यान रखना इस स्टेप पे क्या है, दोनों साइड रूट ले लिया है, स्क्वायर हट गया, जी स्क्वायर हट गया, इसके रूट लेंगे ये तो रूट लेने पे वन बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू का थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बाई टू, और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 16, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हमें प्रूफ करना है, ये चीज़ हमें प्रूफ में लाना है।
तो इसमें प्रूफ करने का एक सिंपल सा फंडा है इसका। देखिए इसे x इक्वल टू निकाल लेंगे हम, ये है cos y इक्वल टू x इंटू ये पूरा है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो cos a प्लस y डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस y। ध्यान रखना ये इसका टेक्निक है x इक्वल टू में, ये इसका टेक्निक है। अब यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाई, बाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाई, तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए या कॉस स्क्वायर कर, एक ही बात है ए प्लस बाई। अब कॉस ए प्लस बाई तो एज इट ऐसे ही रहेगा, जब हम कॉस वाई का करेंगे तो माइनस साइन वाई आएगा, माइनस साइन वाई ये आ गया, और बाई का बन आ जाएगा, बाई के रिस्पेक्ट में बाई का बन आएगा। ध्यान रखना माइनस फॉर्मूले में होता है, अब कॉस वाई को ऐसे ही रखा हमने, कॉस ए प्लस वाई का करेंगे तो माइनस साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई ये आ गया, साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का आएगा बन, तो वो लिखना जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या बन गया, मतलब अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो देखो माइनस कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। तो इस टर्म को बाद में पढ़ लें, पहले पढ़ देखो जी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी मान लीजिए आप। तो जे देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, देखिए तो यहाँ जो बन गया है अपना साइन ए माइनस बी, तो ए तो पूरा माना जाए, ए प्लस बाई तो ए है और बी है बाई, बाई से बाई कैंसिल हो गए, ये है कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये आई है, अगर हम रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इधर करें, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे इधर, देखिए अगर हम डी एक्स अपॉन डी वाई को डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो इक्वल के बाद ये इसका भी हो जाएगा, इसका भी इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड में हो जाएगा साइन वाई। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया, सॉरी साइन ए, ए बचा वाई नहीं बचा, ए बचा है, तो ये साइन ए, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा प्रूफ हो चुका। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है 17, एक्स वाई दिया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स वाई दोनों टी के फंक्शन है इसलिए दोनों का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए तो डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, ये ए तो बाहर ऐसे ही रहेगा, कॉस टी का आ जाएगा साइन माइनस साइन टी, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा टी साइन टी में, तो वो टी को बाहर किया हमने, साइन टी का आएगा कॉस टी प्लस साइन टी को हमने ऐसे ही रखा तो टी का हो जाएगा वन। तो ये हमारा जो अभी यहाँ तक का जो आंसर आया है माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी, साइन टी कैंसिल हो गए, तो डी एक्स अपॉन डी टी जो अपना आया, देखिए क्या आया है, डी एक्स अपॉन डी टी जो अपना बना है वो जो आया है
ए टी कॉस टी, देखिए ये आया है। इसके बाद अब बाई वाला निकाल देते हैं, देखिए तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए ऐसे ही रहेगा, साइन का करेंगे, साइन का करेंगे तो कॉस टी माइनस ब्रैकेट में टी को ऐसे ही हमने रखा, कॉस टी का करेंगे माइनस साइन टी प्लस कॉस टी को बाहर कर दिया हमने टी का बन ये आया। देखिए तो डी वाई अपॉन डी टी चल रहा है जी, ए ब्रैकेट में कॉस टी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टी साइन टी माइनस कॉस टी हो जाएगा जी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गए तो डी वाई डी टी अपनी वैल्यू आई है जो वो क्या आई है ए टी साइन टी। तो अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी आ गया और डी वाई अपॉन डी टी। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ निकाल रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी आया था ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, ए से ए कैंसिल टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा ये आ जाएगा टेन टी। ये एक बार अब हमें सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालना है, देखिए तो सेकंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे देखो, तो सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल चुके हैं तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या निकाल देखिए। तो अब हम पेज ले लेते हैं तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है हमको। इसका तरीका होता है देखिए डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि जो डी एक्स की जगह लिख देते हैं डी अपॉन डी टी और ये यहाँ आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो हमने निकाल चुके हैं यहाँ रख देंगे टेन टी। देखिए तो टेन टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी एक्स अपॉन डी टी जो हमने निकाला था उसका उल्टा कर रेसिबोल कर देंगे। देखो उसका ए टी कॉस टी आया था तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स वन अपॉन ए टी कॉस टी, क्योंकि हम डी एक्स अपॉन डी टी को निकाला था हमने क्या आया था ए टी कॉस टी ये आया था तो हमने इसका ये निकला था डी उल्टा करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा बन गया है वन अपॉन ए टी और कॉस न्यूमरेटर में जाएगा तो सेक बन जाएगा सेक स्क्वायर एक सेक जीरो हो जाएगा सेक क्यू टी, मतलब एक्चुअल में ऐसा हुआ है देखो वन अपॉन ए टी सेक स्क्वायर टी और वन अपॉन कॉस है ना ये तो ऊपर जाके ये भी सेक हो जाएगा तो सेक क्यू टी हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये अपनी निकल आई। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे जा रहे हैं। देखिए 18 पे हम जा रहे हैं तो 18 क्वेश्चन देखिए, ये दिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यू, तो हमें प्रूव करना है कि डबल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट ऑल रियल एक्स एंड फाइंड भी करना है। देखो सॉल्यूशन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव है देन एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा जो मॉड एक्स क्यू है वो सिंपल हो जाएगा। तब हम इसका देखो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं अभी आपके सामने रखते हैं क्या एफ एक्स की वैल्यू आ गई इसलिए एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स क्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर एंड डबल डैश निकालना सेकंड डेरिवेटिव इसका हो जाएगा सिक्स एक्स ये हो गया। देखिए अगर व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो अगर नेगेटिव है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा देखो देन
एफ एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस एक्स क्यूब, मोड हट के माइनस आ जाएगा, तब एफ डैश एक्स आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एंड इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव में तो हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस का और नेगेटिव में हो जाएगा सिक्स एक्स नेगेटिव। तो किसी भी कंडीशन में इसका डिफरेंशियल हो रहा है, देखो इसका मतलब है एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ रियल एक्स ऑफ रियल एक्स, माने कोई भी रियल वैल्यू एक्स की है एग्जिस्ट करता है। हेंस f डबल डैश एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स कब आया था, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस सिक्स एक्स कब आया है, x इज लेस देन जीरो, यही हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 19, यूजिंग साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर फॉर्मूला फॉर कोसाइन। देखो तो अब यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन देखिए इसका, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपको मालूम है, हमें भी मालूम है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ए बी फंक्शन ऑफ टी, हम ये मान लेते हैं ए बी टी के फंक्शन है, तो लेट ए बी, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया, लेट ए एंड बी आर फंक्शंस ऑफ टी, देयरफॉर इनका हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो साइन ए प्लस बी है तो साइन का हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, अब ए प्लस बी का करेंगे हम तो डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी, ये आ गया। ऐसे यहाँ इधर अब निकालेंगे हम तो क्या क्या बनेगा, देखिए एक बार में एक का करेंगे तो मान लीजिए हम साइन को बाहर कर दिया, साइन ए को हमने बाहर किया, कॉस बी का आ जाएगा माइनस के कॉस बी डी बी अपॉन डी टी, देखिए प्लस, अब दूसरे वाले को लेंगे तो यहाँ पर कॉस बी को हमने बाहर किया, साइन ए का करेंगे कॉस ए और डिवाइड में डी ए अपॉन डी टी। अब सेकंड टर्म का इसी तरीके से हम करेंगे, देखिए सेकंड टर्म का करते हैं, पहले टर्म का कर दिया प्लस कॉस ए साइन बी का हो जाए कॉस बी, इसका वो कॉस बी डी बी अपॉन डी टी प्लस साइन बी ऐसी रखा हमने, कॉस ए का करेंगे माइनस साइन ए डी ए अपॉन डी टी, तो हमने ये निकाला। देखिए अब हम इसमें कॉमन ले रहे हैं, बना रहे हैं, देखिए तो कॉमन दोनों जगह क्या आ रहा है, डी ए अपॉन डी टी कॉमन बन के बने, तो यहाँ यहाँ तो चल ही रहा है जी, कॉस ए प्लस बी
और ब्रैकेट में डी ए अपॉन डी टी प्लस डी वी अपॉन डी टी, ये आ गया। अब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, देखिए तो डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी ये है, इनके साथ है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी माइनस डी बी अपॉन डी टी है, इसमें भी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो दोनों की जगह अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉमन क्या बनेगा इसमें, पहले में बचेगा डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। अगर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे देखो तो दोनों तरफ ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, देखो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कॉस ए प्लस बी बचेगा, यहाँ ये बचेगा पूरा, देयरफॉर क्या आएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन 19 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब 20 देखिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन है ये, हमें बताएं ऐसा क्वेश्चन है, हमें एक एग्जांपल देना है फंक्शन का जो कहीं भी हर जगह कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल केवल टू पॉइंट्स पर है, और जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए सॉल्यूशन, इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन हमने लिया इसको कंसीडर कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, सब जगह कंटिन्यूस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन, दो जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो जी क्वेश्चन 20 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए 21, तो y इक्वल टू ये फंक्शन दिया है पूरा एफ एक्स वाला, प्रूव करना है कि ये इसका आंसर है। तो देखिए तो इसको हमें डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल में क्या करेंगे, एक बार में हम एक रो का देखो फर्स्ट रो का कर देंगे प्लस सेकंड रो का कर देंगे प्लस थर्ड रो का कर देंगे, ये है। तो देखो तो डिफरेंशिएट, तो डी वाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो पहली बार में हम फर्स्ट रो का करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स का एफ डैश एक्स, जी एक्स का जी डैश एक्स, एच एक्स का एच डैश एक्स, और अदर टू कॉलम रिमेन सेम, ये आ गया प्लस। अब हम सेकंड रो का करने वाले हैं तो क्या आएगा एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, ये तीनों सेम रहे, एल का करेंगे जीरो जीरो, एम का एन का जीरो, ए बी सी प्लस। अब थर्ड कॉलम का करेंगे, थर्ड रो का करेंगे, फर्स्ट सेकंड रो ऐसी रखेंगे एफ एक्स
जी एक्स एच एक्स और ये हो जाएगा एल एम एन जीरो जीरो जीरो। अब हम वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। देखो इसमें सेकंड रो जीरो है आर टू, इसलिए ये सेकंड वाला जीरो। इसमें थर्ड रो जीरो है, इसलिए थर्ड वाला जीरो। केवल फर्स्ट बचेगा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ डैस एक्स जी डैस एक्स एच डैस एक्स एल एम एन ए पी सी। बाद में प्लस में जीरो जीरो आएगा तो लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यही हमारा आंसर आ गया, देखिए यही प्रूव करना था हमको। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर अब 22 देखिए सॉल्यूशन। बाय इक्वल टू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और हमें प्रूफ ये करना है। तो पहली बार हम डिफरेंशियल करेंगे इसका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यह आएगा डी वाई डी एक्स, ई का कभी ई रहता, ई की पावर कभी चेंज नहीं होती, कॉस इनवर्स एक्स। अब ए कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो ए इंटू माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। देखिए अब हम इसका, तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है देखिए। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई है। अब रूट वाला हम इधर राइट में लेफ्ट में ला रहे हैं, तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया। देखिए अगेन डिफरेंशिएट, हम दोबारा डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा रूट में, पहला ऐसे ही रखा मान लीजिए हमने, इसका आएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स को हमने ऐसे ही रखा, रूट का करेंगे तो आएगा वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर टू, रूट का आता है टू आ जाता है। अब वन माइनस एक्स स्क्वायर का इनटू में करेंगे तो आएगा माइनस के टू एक्स। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस ए, इसका हम दोबारा करेंगे तो ये दोबारा वही आ जाएगा, पूरा पूरा यही आएगा, एक ए और आएगा तो जो हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ई ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स, ये आया। देखिए अब इसको हम एडजस्ट करते हैं, टू से टू कैंसिल हो गया, देखिए एडजस्ट करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। देखो तो क्या बनने वाला देखिए, तो यहाँ एडजस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वन माइनस एक्स का रूट कैंसिल हो गया, देखिए मल्टीप्लाई किया है ये बाई टू लिख दीजिए या डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दिया, पहले माइनस एक्स को बाहर कर देंगे, एक्स को बाहर करने पे क्या क्या बचा है देखो, तो जो हो जाएगा बाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई, तो ये हमारा आंसर आ गया है, ये प्रूफ हो गया है। अगर आपको समझ में कहीं नहीं आया हो तो बता दीजिए, या फिर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ दोबारा और क्लियर करवा रहा हूँ आपको। तो जो क्या है वन माने, दोबारा से लिख रहा हूँ, साइड चेंज की हमने, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आगे क्या आया देखिए, प्लस डी बाई डी एक्स वन अपॉन टू रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स
ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस स्क्वायर इनवर्स एक्स अपॉन रूट में, ये था। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ आप, तो बस ये टू टू तो कैंसिल हो ही गए, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये आ गया देखिए, और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल एक्स डी वाई डी एक्स, यहाँ ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये बाई होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई, इधर है प्लस है उधर माइनस है, हो जाएगा इसे बाई वन बाई तो माइनस में आ जाएगा। तो ये तो फाइनल आंसर लिखना चाहें तो इधर लिख देंगे, इसी को हम बाई टू भी लिख सकते हैं, बाई टू चाहें तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स को लिख दें या बाई टू लिख दें, या डी वाई डी एक्स लिख दें या बाई वन लिख दें, इससे एक ही बात है, इसमें आप कन्फ्यूज ना हो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सरसाइज भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी मिसलेंस